हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्टी वाइब्स पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ये प्यारा सा झबला रेडी करने वाले हैं, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये 3 to 5 इयर्स के बेबी को इजीली आ जाएगा। सबसे पहले मैंने फैब्रिक के ये दो पीस लिए हैं। इसकी चौड़ाई आपको 17 इंच लेनी है और इसकी लंबाई मैंने 24 इंच ली है। अब जो हमारी लंबाई की साइड है उसे देखिए, इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और ये हमारी ओपन साइड है। देखिए, हमारी ये दो पीस को हमने इस तरीके से रखा है और ये हमारी बंद साइड रहेगी। यहाँ मैं 3 इंच पर एक निशान लगा लेती हूँ और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दूसरी साइड हमें 4.5 इंच पर एक निशान लगाना है और लंबी लाइन ड्रॉ करते हुए इन दोनों को मिला देना है। यहाँ पर हमें कर्व शेप देनी है। देखिए, इस तरीके से आपको कर्व शेप दे देनी है और अब इसे कट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये ओपन साइड से ही हमें निशान लगाने हैं और कट भी ओपन साइड से ही करना है। इस बात का आप खास ध्यान रखें, नहीं तो गलती हो जाती है। ये हमारा कट हो गया है और मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। दो पीस हमारे इस तरीके से हमारे दोनों पीस के साइड से कट हो गया है। तो चलिए, अब इसके लिए हम डोरी रेडी करते हैं। सबसे पहले मैंने ये दो स्ट्रिप ली है, इनकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी है। ये आपको 1.5 by 24 इंच की लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और इसे एक बार और फोल्ड करके हमें स्टिच लगा कर रेडी कर लेना है। दोनों पट्टियों को हम इसी तरीके से स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी इन्हें रेडी करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये दोनों स्ट्रिप मैंने रेडी कर ली है। अब हमें यहाँ पर स्ट्रिप ऐड करनी है। देखिए, सबसे पहले मैंने ये रेगमा पट्टी ली है। देखिए, इस तरीके से ये स्ट्रेचेबल होती है। ये आपको 4 पीस लेने हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई आपको 2 by 9 इंच लेनी है। क्योंकि हमारे दो पीस थे इसलिए हमने 4 पट्टी को काटना है। दोनों साइड इसी तरीके से पट्टी लगाएंगे। पहले हम बैक साइड से लगाएंगे और फिर उसे आगे की साइड इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आप उसे बैक साइड से ही अटैच करें, उससे ज़्यादा सफाई आएगी। ये देखिए, बैक साइड से मैंने अटैच कर लिया है और अब हम यहाँ पर हल्के हल्के कट लगा देते हैं, उससे हमें ये स्ट्रिप मोड़ने में आसानी होगी। ये देखिए, इस तरीके से ये अब इजीली लग जाएगी। ये मैं आगे की तरफ इसे फोल्ड कर रही हूँ और ये हमने दोनों स्ट्रिप लगा कर रेडी कर ली है। दूसरे पीस में भी इसी तरीके से दोनों साइड स्ट्रिप लगा कर रेडी कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। ये हमें अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करना है और लगभग इतना स्पेस छोड़ना है कि हमारी डोरी उसमें से निकल जाए। अब मैं यहाँ पर स्टिच लगा लेती हूँ। दोनों पर मैंने इसी तरीके से स्टिच लगा कर रेडी कर लिया है। देखिए, दोनों पीस हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमने जो डोरी ली थी वो इसमें से निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैं पिन की मदद से इसे निकाल लेती हूँ और ये हमारा बहुत ही सुंदर झबला बनकर रेडी होने वाला है। ये गर्मियों में अगर हम बच्चों को पहनाते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल रहता है और उनको गर्मी भी नहीं लगती है, क्योंकि ये खुला होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगे और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ ही अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। ये देखिए, दोनों पीस हमने इसी तरीके से डोरी डालकर रेडी कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों पीस को उल्टी साइड रख लेना है। इस तरीके से हम इन्हें एक साथ रखेंगे और जो साइड का पोर्शन है वहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको दोनों को उल्टी साइड रखना है कपड़े को। तो चलिए, अब मैं आपको स्टिच लगाकर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा
ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। अब हमें नीचे की साइड भी स्टिच लगाना है। ये देखिए हमारा खुला रहता है ये पोर्शन, इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अब दोबारा फोल्ड करके इस तरीके से स्टिच लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये स्टिच लगा लिया है और इसमें कितनी सफाई आई है और ये हमारा झबला बनकर एकदम अच्छे से रेडी हो गया है। इस तरीके से आप यहाँ पर नोट लगा लें और ये हमारा झबला बनकर एकदम रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।